अरे काय को गलो फाड़ रहा हूं, नस फट जे है। पधारो, क्या नाम है? ओ, हमने बुलाया था आपको। ओके, ठीक है, वहां थे ना? अंदर दरबार में, यहीं पंडाल में। हाँ रेलिंग के पास। कहां से हो? साधु जी, ओ साधु जी, नजदीक आओ थोड़ा सा, क्या समाधान पाना चाहते हो? हाँ, फिर भी पूछो। हाँ, आपने जी जी, इसीलिए आपकी अर्जी लगी है, क्या समाधान पाना चाहते हैं? पूछो। ये जनार्दन स्वामी कौन है? नहीं नहीं, आपके ये परदादा के गुरु हैं? हाँ ठीक। नहीं नहीं, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके काकाजी, आपके ग्रैंडफादर के काकाजी। पूछो और। नहीं, फिर भी एक प्रश्न और रह गया। हमने आपकी चार बातें लिखी, आपने चूंकि अर्जी लगाई थी, अर्जी आपने घर से लगाई थी, आपने हनुमान चालीसा का अनुष्ठान किया है, जिस कारण से आपकी अर्जी स्वीकार हुई है, वर्तमान में आप प्रश्नों को भूल गए। माइक ले लो। हाँ गुरु जी। वर्तमान में आप प्रश्नों को भूल गए और आपने घर पर जो अर्जी लगाई वो नारियल और चिट्ठी पर लगाई। चिट्ठी पर, ठीक है। हमने शुरू यहां से किया, आपके जनार्दन से हमने अर्जी आपकी शुरू की, पहले की परिवार में एकता, घर पर कृपा एवं धन की तंगी परेशानी बनी। नंबर दो, जनार्दन नाम के परदादा की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे, गुरु रूप में धारण करना चाहते हैं आप, गुरु मार्ग पर चलना चाहते हैं, सनातन का काम करना चाहते हैं एवं स्वयं के कैरियर की अर्जी आपने लगाई हुई है कि हमारा आगे क्या होगा, किस रास्ते पर जाएंगे, सफलता कहाँ मिलेगी, आपने ऐसी अर्जी अपने घर पर लगा रखी है। इसमें आया है जॉब योग नहीं है, व्यापार काम में सफलता होगी, वस्त्रों का थोक का अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कैरियर उज्जवल होगा, आशीर्वाद है। क्या ये सभी बातें सही? कोई संदेह? एक बात हो राम, अभी उसमें आपसे भूल हुई, उसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। राम, इनके अनुष्ठान के बारे में जरा डिटेल दीजिए। गुरुजी सीताराम, बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। ये स्वामी थे जनार्दन और अभी भी हैं, सूक्ष्म रूप में, शरीर में नहीं है, ये अभी सूक्ष्म रूप में हैं। स्वामी थे और परदादा के काका, ऐसे ही है, बहुत ही पावरफुल रहे, इनके पास सिद्धि भी है। हाँ, ऐसी लाइट हमको मिल रही है। माइक ले लो। हाँ गुरुजी। राम, हमने आपके अनुष्ठान के बारे में भी डिटेल निकाली, जो आपके मन में बहुत ज्यादा संदेह बना हुआ। माइक ले लो। अनुष्ठान में आपने हनुमान चालीसा के पाठ किए हैं,
हनुमान चालीसा के पाठ आपने संकल्प लेकर के किए हैं, नारियल से संकल्प लिया है, प्रतिदिन आपने 41 पाठ किए हुए हैं, 41 पाठ किए हुए हैं, बीच में चूक गए हैं, आपसे त्रुटि हो गई है, ब्रह्मचर्य से संबंधित त्रुटि हो गई है, जिसके बारे में हम माइक के द्वारा नहीं बता सकते हैं, कुछ चलचित्र देख लेने के कारण लंगोट ढीला हो गया, इसीलिए तुम्हारा अनुष्ठान विफल है। अब उसी को लेकर के आप मन में खिन्न बनाए हुए हैं कि क्या करें, राम नाम का जप करके प्रायश्चित करें और जाओ, तुम्हें गुरु प्राप्त होंगे, गुरु तुम्हें धारण करना चाहिए और योग्य गुरु की प्राप्ति होगी, तुम अपने वंश का नाम चलाओगे और जिनकी समाधि स्थान स्वामी जनार्दन महाराज की जो परंपरा है, उस परंपरा को बढ़ाने का जो तुम्हारा संकल्प है, वो भी तुम साधना के बल पर सन 2027 की कार्तिक मास की पूर्णमासी पर चलाना प्रारंभ कर देंगे, उस परंपरा को आशीर्वाद है। क्या बात एकदम सही, कोई संदेह? बराबर, ये तुम्हारा डिटेल। हमारे गुरुजी, दिस इज वाईफाई वेरी हाई फाई। नहीं, गलती तुम्हारी, क्षमा है, चूंकि चादर के अंदर गलती की है सो क्षमा है। कुछ रहो, ए प्रणाम करो, प्रणाम करो, अच्छे बच्चे हो तो हाँ, छू करके प्रणाम कर सकते हो तुम्हें, क्योंकि गुरु परंपरा में, शिष्य परंपरा में जाना है। इधर आ जा मोरा बेटा, या अब मत गलती करना है, खूब भजन करना, हमारा नाम रोशन करना, और कभी भगवान ने चाहा, और अगर करार साहब चाहेंगे तो हम तुम्हारे गांव भी कभी आएंगे पक्का, जाओ। नहीं, अच्छा बच्चा है, इसको ताली बजाओ, ये अपनी पुरानी परंपरा को चलाना चाह रहा है, ये अच्छा बच्चा है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन गलती है वो तो हो ही जाती है, किसी से भी हो सकती है। बोलो सीताराम साधु जी।